थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक्सपायरी डेट व मिलावटी फूड खाने से बिगड़ी बच्चे की तबीयत। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक्सपायरी डेट व मिलावटी चॉकलेट, टॉफी, फ्रूटी व अन्य बच्चों के खाने की सामग्री खाने से बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसा ही एक मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रशीद नगर का सामने आया है, जहां एक्सपायरी मिलावटी चॉकलेट खाने से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बता दें, रशीद नगर गली नंबर 3 निवासी दिलशाद के 6 वर्षीय बेटे आहद व इरफान की 4 साल की बच्ची नाफिया की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि रशीद नगर गली नंबर 3 पर नौशाद पुत्र अल्लाह मेहर की कॉन्फेक्शनरी की दुकान है, जहां से खाने की चीजें खाकर कई बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जब इसकी शिकायत नौशाद से की गई, तो उसने दबंगई दिखाते हुए कहा कि हमारा माल कई जगह पर ऐसे ही बिकता है, जिसके बाद मोहल्ले के कासिम पुत्र वहाबुद्दीन ने 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लेकर व दुकान पर रखा एक्सपायरी सामान लेकर पिल्लू खड़ी चौकी पर ले आए। वहीं जब चौकी प्रभारी अजय कुमार शर्मा से इस मामले में जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि एक्सपायरी सामान का कोई मामला सामने नहीं आया है। दुकानदार को लॉकडाउन के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया था, जिसको लॉकडाउन के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कर दुकानदार को चौकी से ही छोड़ दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के आदेशों को ताक पर रखते हुए लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर व श्याम नगर में पुलिस की मेहरबानी से सारी दुकानें खुली हुई हैं। पूरा बाजार गुलजार है, जहां मीट से लेकर हलवाई की दुकान, होटल व अन्य सभी प्रकार की दुकानें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। अब यह बात गौर करने वाली है, कितनी दुकानों को खोलने पर थाना पुलिस दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करती है। मेरठ से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। मेरा नाम अयूब है, अयूब चौधरी। ये हमारे जो है ना, हमारे एक भतीजा था, वो बच्चों को चीज दिलवाने के लिए ले गया, तो वहाँ से जब वो चोको लेके, चोको एक चॉकलेट है, उसका पैकेट 35 रुपए में 10 रुपए में दिया उन्होंने, और वो खाई, उससे बच्चे हमारे बीमार हो गया। अच्छा, जब हमने उसको देखा तो वो एक्सपायर थी, उसकी डेट निकली हुई थी, 1 साल पुरानी। अब उससे जो है, जब बच्चों को हमने अस्पताल में ले गए, अस्पताल में देखा कि वहाँ पे उसकी तबीयत खराब ज़्यादा होने लगी, तो वह उन्होंने कहा ना फला जगह ले जाओ वहाँ। चोको चॉकलेट थी एक, वो 35 रुपए की है, वो 10 रुपए में दी उसे बच्चे को। कितने बच्चे हैं ऐसे जो अभी तक बीमार है जो फिलहाल? अभी तो देखो जी, हमारा अपना बच्चा था, उसे ले गए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।